नमस्ते दोस्तों, मैं विकास त्रिवेदी वर्शिप ट्री बी फ्री में आपका स्वागत है। सीताराम, जय नीम करोली बाबा, जय श्री साईनाथ। आज हम नक्षत्र श्रृंखला की श्रेणी में पांचवा नक्षत्र यानी कि मृक्षिस नक्षत्र के ऊपर प्रकाश डालने जा रहे हैं। मृक्षिस नक्षत्र जिसका ज्योतिष के हिसाब से मालिक है मंगल, जो वृषभ राशि में आता है और मिथुन राशि में भी, वृषभ में भी दो चरण है और मिथुन में भी दो चरण है। 23° 40' से लेके 30° तक वो वृषभ में है और 6° 40' तक वो मिथुन राशि में है। मगर वृश्चिक, ये जो मृक्षिस नक्षत्र है अपना, मृक्षिस नक्षत्र का मालिक मंगल है ज्योतिष के हिसाब से, मगर नक्षत्र संहिताओं के हिसाब से, वेदांग ज्योतिष के हिसाब से नक्षत्र के आराध्य देव, मृक्षिस नक्षत्र के आराध्य देव है सोम, सोम देवाय नमः, या चंद्रदेव, चंद्र उसका मालिक है नक्षत्रों के हिसाब से, नक्षत्र के जो हमने देव माने गए वो। मृक्षिस नक्षत्र की तारक संख्या है 3 और मृक्षिस नक्षत्र की आकृति है हिरण के सिंगों, मृग शीष, मृग के ऊपर जो सिंग होते हैं ऐसी उनकी आकृति है। आकाश में आप देखेंगे तो मृग शीष, उसके लिए उसका नाम है मृग शीष या मृगशिरा। मृगशिरा का आराध्य वृक्ष है खेर, जिसको हम खदीर बोलते हैं, कत्थे का झाड़ भी बोलते हैं, तमिल में वोड़ाले बोलते हैं, तेलुगु में खासू बोलते हैं, बंगाली में खदेर गाछ बोलते हैं। तो खेर का वृक्ष है जो आराध्य वृक्ष है मृक्षिस राशि के नक्षत्र वाले जातकों को। जीवन में संघर्ष का समय हो, सुख दुख हो, सुख के समय में आप लगाओ तो अति आनंद पाओगे, दुख की घड़ियाँ कम आएगी, और दुख के समय में आपको ये संकट निवारक तरीके काम करेगा, आपके संकट हर लेगा। अगर खेर का वृक्ष आपने शुद्ध पक्ष में लगाया, गुरु पुष्य के दिन, शनि रोहिणी के दिन, मंगल अश्विनी के दिन, या जो पंचांग में जब गजकेसरी होते हैं अच्छे मुहूर्त में लगाया आपने दिन शुद्धि देख के, तो आपको उसका अच्छा फल मिलेगा। मृक्षिस नक्षत्र के आराध्य देव है चंद्र, चंद्र 27 नक्षत्र, चंद्र ज्योतिष में चंद्र को एक पोस्टमैन भी कहा गया है, क्योंकि चंद्र 27 नक्षत्र में भ्रमण करते हैं। जैसे कृष्ण भगवान ने विभूति योग में कहा कि नक्षत्राणाम शशि, भगवान ने कहा आदित्य में मैं सूर्य हूँ, नदियों में मैं जाह्नवी हूँ, जैसे सिद्धों में कपिल मुनि हूँ, साहसियों का साहस हूँ, तेजस्वियों का तेज हूँ, जैसे नक्षत्रों में मैं शशि हूँ, चंद्र हूँ। तो चंद्र बोले तो मन, और भगवान ने गीता में ये भी कहा कि चंद्र में मैं इंद्रियों में मैं मन हूँ। तो मन, चंद्र मन है, चंद्र हर एक नक्षत्र में से पास होता है और हर एक नक्षत्र के जो क्वालिटीज़ है वो अपने पृथ्वीलोक में, मृत्युलोक में हमारे से हमको देता है। तो चंद्र एक मैसेंजर है, तो जिसका चंद्र अच्छा हो कुंडली में वो अच्छे मैसेंजर हो सकते हैं, वो अच्छे काल्पनिक हो सकते हैं, वो अच्छे पोएट हो सकते हैं, अच्छे क्रिएटिव हो सकते हैं, अच्छे आर्टिस्ट हो सकते हैं। तो मृक्षिस नक्षत्र का मालिक हुआ चंद्र, मंगल वृषभ राशि में चंद्र उच्च का होता है, चंद्र अच्छा हुआ, चंद्र मंगल और शुक्र ये 3 ग्रह का प्राधान्य जहाँ होगा, शुभ संपर्क होगा, वहाँ आपको अच्छे फल मिलेंगे। अगर मृक्षिस नक्षत्र मेलिफाइड है कि मृक्षिस नक्षत्र में राहु है, शनि है चंद्र के साथ, मृक्षिस नक्षत्र कोई कुंडली में ऐसे स्थान में आ गया 6, 8, 12 के स्थान में, समझो मृक्षिस नक्षत्र 6ठे स्थान में, यानी कि वृषभ राशि है तो धन लग्न है, तो वहाँ आ सकता है 6ठे 7वें स्थान में, 8ष्टम स्थान में आ सकता है। अगर मेष लग 6ठे स्थान में समझो वृषभ राशि आई, तो आप समझो कि तुला लग्न हुआ, तो ऐसी जगह पे जगह मृक्षिस नक्षत्र है वो मेलाफाइड हो गया, वो उसमें सूर्य और चंद्र राहु ऐसे सब ग्रह उनके साथ है, तो वृश्चिक नक्षत्र ऐसे माना जाएगा थोड़ा करप्ट, उसके रिजल्ट करप्ट मिलेंगे आपको, तो वहाँ आपको खेर के वृक्ष की आराधना करनी है। और ज्योतिष में गर्ग ऋषि ने 27 नक्षत्र की कल्पना दी थी, ऐसे हमारे पुराण वेद कहते हैं कि कृष्ण भगवान को भी जब जयद्रथ का वध किया तभी सूर्य के बीच में छाव आ गई थी, तो उस समय ग्रहण था, तो गर्ग ऋषि ने भगवान को संबोधित किया था कि इस समय सूर्य ग्रहण होगा। वो बहुत बड़े गणितज्ञ थे, बहुत बड़े ज्योतिषी थे, ये नक्षत्र की पूरी कल्पना गर्ग ऋषि ने दिए, ऐसे बड़े बड़े विद्वान का मत है। तो गर्ग संहिता में भी नक्षत्रों के बारे में बहुत अच्छा लिखा गया है,
कहीं से आपको नक्षत्र के पुराने वैदिक ग्रंथ मिले तो आप लेके पढ़ना, बहुत अच्छी अच्छी माहिती है। हमारे वैदिक ज्योतिष में, पंचांग ज्योतिष में, रस संहिता में वराहमिहिर ने जैमिनी सूत्र में नक्षत्र के ऊपर बहुत प्रकाश डाला है। नक्षत्र के अधिपति के हिसाब से ही कुंडली में फल मिलता है। कोई भी कुंडली में कितने भी अच्छे ग्रह हो, उच्च के ग्रह हो, मगर समझो कि मेष राशि में मंगल है, तो मंगल मेष राशि में, अश्विनी नक्षत्र में केतु है, मगर केतु कुंडली में खराब है, कोई ऐसे नक्षत्र में, ऐसे स्थान में पड़ा है, तो उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा, तो हम उसका नक्षत्र डायग्नोसिस करते हैं। तो मृक्षिस नक्षत्र वाले को अपने घर में मृग के शीश की ऐसा कोई फोटो आपको मिले, मृग के शीश का फ्रंट भाग, जैसे कि मुंह का भाग, सिंह वाला भाग, बारह सिंगा जैसे कि सिंह वाला भाग आपको मिल जावे, तो आप घर में लगा सकते हैं एज अ फोटो। पांच उनका तीन नंबर उनकी तारक संख्या है, जिनको ऐसा माना गया है कि मृक्षिस नक्षत्र के लिए आप आराध्य देव मंगल है। मृक्षिस नक्षत्र का आराध्य ग्रह मंगल, चंद्र, ये कॉम्बिनेशन जिस दिन अच्छा हो, चंद्र मंगल लक्ष्मी योग माना गया है। तो चंद्र मंगल लक्ष्मी योग में आप खेर के वृक्ष का संवर्धन करेंगे, उसको पानी देंगे, अपने हाथों से ऐसे पानी देना है, अपना हाथ के स्पर्श, और जो जिसका नक्षत्र है उसको ही देना है, वो किसी को काम सौंप के नहीं जाए, क्योंकि उसमें फिर आपके हाथ की ऊर्जा वृक्ष को मिलेगी, वृक्ष जैसे जैसे बड़ा होगा ऐसे ऐसे आपकी परेशानियाँ कम होगी, अगर अच्छा ही है तो अच्छा ही और बढ़ेगी। दूसरी बात मित्रों, ऐसी बोलना है मुझे कि मृक्षिस नक्षत्र के बारे में ब्रह्मांड पुराण चंद्र के जन्म कृतिका नक्षत्र में हुआ था ऐसा भी मानते हैं। चंद्र जो समुद्र में से 14 रत्न मिले थे वहाँ से भी मिला, चंद्र समुद्र में से, समुद्र मंथन से चंद्र निकला है, तो चंद्र ऐसा समुद्र से आया हुआ है, तो चंद्र बहुत मोस्ट ऑस्पिशियस है। तो जिसको चंद्र के बल बढ़ाना है, इसकी क्योंकि चंद्र ही मन का कारक है, चंद्र का बल बढ़ाना है, तो चंद्र जिस नक्षत्र में, उस नक्षत्र के आराध्य देव की आपको उसका वृक्ष लगाओ, उसका मंत्र है, उसके मंत्र आप करो, ओम सोमाय नमः, ओम सोमाय नमः, ओम सोमाय नमः, ओम साम श्रीम सोम चंद्राय चंद्रमसे नमः, वो भी मंत्र है, ओम चंद्राय नमः भी है सामान्य मंत्र। तो रोहिणी से सुधा मूर्ति, सुधा गात्र, सुधासन, विषम स्थान, संभुता पीड़ा, हरतु में बुद्धि, ये भी एक चंद्र का मंत्र है। ये मंत्र का जाप करके आप खेर के वृक्ष को अपने हाथ से पानी चढ़ाएंगे तो आपको जीवन में आने वाली परेशानियों से मुक्ति मिलेगी, ऐसा मेरा यकीन है, ऐसा मेरा मानना है। और मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी इस चैनल को लाइक कीजिए, मेरी इस चैनल को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को। और बता रहा हूँ कि मृक्षिस नक्षत्र की धारण करने वाली औषधि कौन सी है, तो औषधि का नाम है जयंती। आप गूगल में डाल के देखना, जयंती का पौधा मिलता है, जयंती करके आप वनस्पति डालना, जयंती हर्ब करके, मैं अभी कुछ कुछ वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं फ़ोटो भी दूंगा, वो धारण की औषधि है। और वृश्चिक, ये जो इनका एक खदीर का वृक्ष है, एक खेर का वृक्ष है, एक कत्थे का वृक्ष है, कुछ कुछ जगह ये बैन है, तो आपको मिलने में मुश्किल ही होगी, मगर अभी बहुत है, प्लानेट्स लाइव ना, नर्सरी लाइव ना, उसमें से आपको पौधा मिल जाएगा, आपके नर्सरी वालों से आपको ये पौधा मिल जाएगा। दूसरा एक आपको बता रहा हूँ कि इसमें ऐसा है कि आपको कभी भी मृक्षिस नक्षत्र वालों को खेर का वृक्ष कभी भी काटना नहीं है। मृक्षिस नक्षत्र वाले अपने घर में कत्था, अच्छे वाला जो कत्था है, वो भी पूजा में ला के रख सकते हैं। तो आज के लिए आज मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि मृक्षिस नक्षत्र जिनका है उनको खेर के वृक्ष की आराधना करनी चाहिए। और आपको कुछ भी इसमें परेशानी है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो मुझे आप फ़ोन कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो। मेरा नंबर है 9757111748, 9757111748। और आपसे रजा लेना चाहता हूँ, और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, शेयर करना, और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना। जय सियाराम, जय नीम करोली बाबा, जय साई राम, नमस्ते।